और मैं यहाँ पे आया था, आज विश्वकर्मा पूजा है तो भैया ने बोला प्रसाद खाते जाओ। थैंक यू। मेरा नाम ऐसे इमरान है लेकिन मैं ये सब चीज पे बहुत फोकस रखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं देखता, सभी भाई भाई है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं IMU ब्लॉग, और मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी कुछ ब्लॉग्स बनाने थे तो मैं सोचा आज की ब्लॉग कुछ अलग सी बनाऊं, क्योंकि हम लोग ओला उबर रैपिडो चला चला कर ऑलरेडी थक गए हैं, और इन लोगों ने तो ठान ही लिया है उबर और रैपिडो वाले ने कि राइडरों का खून चूस कर पैसे कमाएं। तो मैं समझता हूं कि हमारा अगर खून और पसीने की कमाई जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म पे हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी के ग़ुलाम बनोगे तो वो हमेशा आपको ग़ुलाम बनाएगी। रैपिडो और उबर ये लोग फेयर सही नहीं दे रहे थे और ऑलरेडी हमारी ID भी बंद कर दिए, तो मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म चॉइस कर लिया है, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है पोटर। तो मुझे पोटर में बहुत ही अच्छा देखा, उसका फीडबैक फेयर ठीक ठाक दे रहे हैं, तो मैं पोटर ज्वाइन कर लिया हूँ। और आज तो दोस्तों मैंने पोटर में ये पहली राइड ले लिया हूँ, और ये जाएंगे तोपसिया से गुलाम जिलानी खान से कालीघाट जाएंगे ना, हाँ सिग्नेचर मनोहर पुकुर रोड जाएंगे। सिग्नेचर कर दीजिए ये, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, फेयर वहाँ से लेंगे, ठीक है, जाइए, ठीक है, ओके। दोस्तों मैंने ये पैकेज ले लिया, थोड़े से कपड़े हैं गारमेंट्स पोटर में, और इसे पहुँचाने हैं कितने किलोमीटर, और मुझे कितने रुपए फेयर दे रहे हैं, मैं आप लोगों को ये भी दिखा देना चाहूँगा। 5.3 किलोमीटर, और ये हमें फेयर देंगे 75 रुपीज़। मैं समझता हूँ सभी ऐप से बढ़िया है पोटर, तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मिस्टर गनी, व्हाट इज दिस कैमरा, गनी सोएगा नहीं, नहीं तो जा रहा हूँ यहाँ पे, ये पैकेज है पोटर में, ये जाएगा कालीघाट। दोस्त यार रास्ते पे मिल जाते हैं यार, इनका नाम भी वैसे ही गनी, सोएगा नहीं। दोस्तों मैं चल पड़ा पैकेज को ड्रॉप करने के ओर, और दोस्तों मैं एक ख़ास बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि पोटर में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, इसकी काफ़ी डिमांड्स है हमारे कोलकाता में, और ये ख़ास बात है कि हमें फुल सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि आप 20 kg से एवब वेट वाला कोई भी सामान पैकेज ना लें, अगर कस्टमर देना चाहे तो आप उससे बेसी ज़्यादा पैसे चार्ज भी कर सकते हो। और इनका मैं आप लोगों को बाइक चलाते चलाते बताता चलूँगा कि इनका रेट कार्ड क्या है। इनका रेट कार्ड यही है कि ये आपको पिकअप दूर दूर का भी दे सकते हैं, 5 किलो 6 किलोमीटर तक का भी दे सकते हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो ये 2 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो वो उनका फेयर के साथ इंक्लूड होता है, और 2 किलोमीटर के बाद से एबव जो भी किलोमीटर्स आपके बाइक चलेंगे उस पर किलोमीटर में आपको पर किलोमीटर 5 रुपीज़ करके कंपनी वाले अलग से देंगे और फेयर आपको अलग से देंगे। तो मुझे ये प्लस पॉइंट लगा पोटर में। और एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी बात है, स्विगी जोमैटो की तरह हम लोगों को कस्टमर्स के घर में नहीं जाने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स में नहीं जाने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ इशू ये होता है कि हमारे पास बाइक होते हैं, हमारे ये बैग होते हैं, हेलमेट होते हैं, अगर हम पैकेज को पिकअप करने के लिए किसी के छत पे जाते हैं 4 माले 5 माले पे, तो हमारा थोड़ा रिस्क हो सकता है कि हमारा हेलमेट चोरी हो जाए या फिर हमारा बैग चोरी हो जाए, और अगर इतना सारा कुछ रहते हुए कस्टमर का पैकेज को हम ऊपर तक पहुँचाने में कैसे कैरी कर पाएंगे। तो कंपनी बोलती है कि आप डोर टू डोर पिकअप करें और डोर टू डोर डिलीवर करें, और कस्टमर को भी यही प्रेफर करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और रही बात इसकी फेयर की, तो मैंने
आप लोगों को दिखाई दिया कि मैंने 5.3 किलोमीटर का ये पैकेज मैंने ले रखा है, तो मुझे मिल रहे हैं 75 रुपीज़। आप इंक्लूड कर सकते हो कितना करके दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ओला, उबर, रैपिडो सभी इसके सामने जीरो है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फेयर दे रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जानकारी दे दूँ, बहुत से लोग डर जाते हैं इनका डिस्टेंस देखकर पिकअप का कि ज़्यादा दूर है, आपको ये पर किलोमीटर 5 रुपीज़ तो दे ही रहे हैं। साथ में अगर कोई कस्टमर, अगर आपका पिकअप लोकेशन पे आप नहीं भी पहुँचे हो, अगर 100 मीटर 200 मीटर भी आगे आपने गाड़ी अगर उसके तरफ चले गए हो पिकअप पॉइंट के तरफ, अगर वो कैंसिल करते हैं तो आपको कंपनी देती है गुडविल चार्ज, देती है आपको 20 रुपीज़, जो कि ना ही ओला देते हैं, ना ही उबर देते हैं, ना ही रैपिडो देते हैं। रैपिडो देते हैं कैंसिल चार्ज 5 रुपीज़। एक सिगरेट या एक बियर खा पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उबेर भी पहले दे रहे थे तो अभी 11 रुपये 34 पैसे देते हैं, लेकिन वो आपका टाइम भी उतना ले लेंगे, 5 मिनट्स खड़ा होना होगा, वो भी आप अगर लोकेशन पे जाओगे अराइव होगा तो ही देगा, वरना नहीं मिलेंगे। और ज़्यादातर कंपनी वाले तो हमारे पैसे खा ही जाते हैं, बट ये 20 रुपीज़ दे रहे हैं होटल वाले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल होंगे कि फूटर इंसेंटिव कैसी देती है, तो फूटर का इंसेंटिव का प्लान बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप अगर उस तरीके से राइड कर पाओगे फूटर में, तो फूटर का प्रोटोकॉल यही है कि आपने सारा दिन में जितने भी आपके पास बुकिंग आई है, आपको उनमें से कोई भी राइड को कैंसिल नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप अगर आप उसके बुकिंग को एक्सेप्ट करते हो तो कंपनीज आपको 20 राइड में वीकली देते हैं 600 रुपये, ठीक है ना। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको फिर इंसेंटिव नहीं मिलेगी। जितने भी राइड आएंगे, जितने भी कॉल आएंगे, सबको एक्सेप्ट करना होगा, वरना फिर आप इंसेंटिव से वंचित रह जाओगे। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बैग बगान जिसान कॉर्नर के पास। और एक ज़रूरी बात है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी ट्रेन चली हुई है कि ओला, उबेर, रैपिडो सभी आईडी बहुत ज़्यादा बंद कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा कि किस कंडीशन में पोर्टर वाले आपकी आईडी बंद करेंगे। आपको अगर नहीं जाना हो तो प्लीज़ आप उसका कॉल, उसका बुकिंग, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। इस हाल में आपका बंद हो सकता है कि आप अगर उसका बुकिंग को लेने के बाद आप उस बुकिंग को कैंसिल कर देते हो, तब आपका अकाउंट को सस्पेंड करने का चांसेस है। प्लस कस्टमर से गलत बिहेवियर नहीं करना है, उस रीज़न से भी कर सकता है, या फिर आप ऑनलाइन रह रहे हो लेकिन एक भी बुकिंग आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसके वजह से भी कर सकता है सस्पेंड। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। और रही बात, हम राइडरों के ऊपर बहुत बार एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, जो कस्टमर खाली पीली ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, हमारे नाम से कंप्लेंट कर देते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आईडी कोई भी तरीके से इस तरीके से बंद नहीं होते हैं जब तक के पोर्टर कंपनी वाले, पोर्टर सपोर्ट वाले जब इन सब चीज़ों का अच्छी तरीके से छानबीन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी वो एलिगेशन को सच या झूठ साबित करते हैं। इससे हम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी आईडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको ये सारी गलतियां करनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देख सकते हो दोस्तों, ऑटो में भी पोर्टर का यहाँ पे ऐड प्रचार चल रहे हैं। पोर्टर में अपनी, अगर आपके पास फोर व्हीलर है जैसे कि ट्रक, छोटा हाथी जिसे कहते हैं बच्चा हाथी, वो भी लगा सकते हो। इन सब चीज़ों का भी इनमें इंतज़ाम है कि आप अपने व्हीकल, अगर इस तरह के व्हीकल आपके पास है तो आप इस प्लेटफॉर्म में जोड़ सकते हो उनका। ये पैकेज है, ड्रॉप कर देता हूँ इसे, ये लीजिए। फ़ोन आया क्या आपके पास? सेनोरिटा इसी में आना था मेरे को।
हाँ एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है ना? ठीक है, ओके मैम, एंड कर देगा 75 रुपीस, देख लीजिए। हेलो मुन्नी, 75 रुपीस, 75 रुपीस पे करना है आपने। हाँ आपने पे करना है। यहाँ पे मुन्नी एक सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दो, सेफ्टी पर्पस से अच्छा रहता है। थैंक यू। यहाँ पे आया था, आज विश्वकर्मा पूजा है तो भैया ने बोला प्रसाद खाते जाओ। थैंक यू। मेरा नाम ऐसे इमरान है लेकिन मैं ये सब चीज़ पे बहुत फोकस रखता हूँ, ठीक है ना? हाँ मैं हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं देखता, सभी भाई भाई है, ठीक है ना? चलिए थैंक यू, ये प्रसाद खा लेता हूँ। क्या है? केला है, एप्पल है, नारियल है, बहुत सारा चीज़। थैंक यू। तो दोस्तों पेट पूजन तो हो गए, सभी को हैप्पी विश्वकर्मा की त्यौहार, और मैंने प्रसाद भी खा लिए, पेट भी भर गए। तो आप लोगों को मैं ज़रा कैलकुलेट करके दिखा देना चाह रहा हूँ कि पोर्टर कंपनी वालों ने मुझे 5.3 किलोमीटर्स की राइड पे कितने रुपए दिए और कितने रुपए उसमें से माइनस किए, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे वो दिए हैं 5.3 किलोमीटर का 75 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे कैलकुलेटर पे, और इनमें से माइनस किया है 8 रुपीस, 8 रुपया माइनस किए हैं, तो यहाँ पे बच गए हमारे 67 रुपीस। यानी कि अब इसको हम डिवाइडेड करते हैं, इसको डिवाइडेड करेंगे हम 5 किलोमीटर ही पकड़ते हैं ना, वो 5.3 था, फिर भी चलो कोई बात नहीं है, 5 किलोमीटर ही पकड़ते हैं क्योंकि कैलकुलेट सही हो नहीं पाएगा उस समय। 5 किलोमीटर अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं लाइव प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दिया कि पोर्टर क्या देती है और क्या लेती है। पोर्टर हमें दिए हैं 13.4, यानी कि 13 रुपया कुछ पैसे पर किलोमीटर दिए। मैं 13 रुपया ही पकड़ कर चलता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगा कि आप अगर रैपिडो, ओला, उबेर से परेशान हो तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, क्योंकि आज का ट्रेंड चल चुका है कि रैपिडो मनमानी कर रहे हैं और हम राइडरों का हक नहीं दे रहे हैं, हमारे मेहनत का पैसा नहीं दे रहे हैं, मुआवजा सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो हम राइडरों को कोलकाता में राइडिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है, सभी के सभी चोर हो गए हैं। पहले ये लोग ऑफ़र दिखाते हैं, ये ऐसा है वैसा है। और एक दोस्तों एक चीज़ हमेशा फॉलो करना, ये कंपनी वाले कभी भी राइडर के बारे में कोई ऐड नहीं बनाएंगे। एक ऐड बना देते हैं, सुन लो बब्बन की सलाह, हमेशा रैपिडो इज बुला, मतलब कि कभी नहीं बोलता है कि रैपिडो इज चला, क्योंकि वो जानते हैं राइडर मारेंगे जूते से जितना पैसे देते हो राइडर को। और अभी उबेर वाले एक प्रचार कर रहे हैं कि 19 रुपये में 6 किलोमीटर, सोचो और चल पड़ो। वाह, जरा सोच कर देख सकते हो दोस्त कि कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए, और कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, कस्टमर को लूटते हैं और हम राइडरों को नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप में से कोई लोग, कोई राइडर जो बाइक टैक्सी चलाते हो, वो अगर इन कंपनीज के द्वारा परेशान हो, हताश हो, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है और उनसे आर्गुमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से बोलते हैं दोस्तों, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि सीधा रहोगे तो सीधा का मुंह बोलते हैं ना, कुत्ता चाटे, यही होता है। मैंने रैपिडो को तलाक दे दिया है और रैपिडो मेरे को नहीं चलाना है। रैपिडो जैसे कंपनी को मैं लात मारता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरा आईडी सस्पेंड किया, तो ऐसे ही मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। रैपिडो को पूरी तरीके से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों
अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहूं और आप लोगों को जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोगों को कुछ हमारे वीडियो से सीखने को मिले। अगर आपकी कोई राय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। थैंक यू।